हेलो दोस्तों, ये हमारी वीडियो नंबर 15 ऑडियो डकिंग के ऊपर। ऑडियो डकिंग जैसे आपने देखा होगा वीडियोस में आपके म्यूजिक चलता है, तो जैसे ही आपके डायलॉग्स आते हैं आपके म्यूजिक कम हो जाता है और जो आपकी साउंड होती है वो बढ़ जाती है। तो कैसे करते हैं हम, ऑडियो डकिंग कह सकते हैं, ऑडियो एडिटिंग कह सकते हैं, मिक्सिंग कह सकते हैं, वो कैसे होती है, चलो बताते हैं आज आपको। पहले आपको कुछ सैंपल दिखा दूं। जैसे वीडियो है हमारे पास, तो आपने देखा जैसे ही जहां म्यूजिक था वहां पे म्यूजिक लेवल पे चल रहा था, जैसे ही एक आपका बोलने वाला सीन आया, डायलॉग्स आए, तो म्यूजिक अपने आप कम हो गया। तो अब कैसे करते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। जैसे हम एक क्लिप लेंगे, जैसे हमारे पास एक क्लिप है, ये ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे अपने टाइमलाइन पे। ठीक है फ्रेंड, और हम एक म्यूजिक ले लेंगे, वो ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे और क्लिप्स ले लेते हैं एकदम। जैसे क्लिप्स ले ली हमने, तो सबसे पहले आपने करना क्या है, ऑडियो में जाना है। ऑडियो में जाके इन दोनों क्लिप्स को हम सिलेक्ट करेंगे, डायलॉग्स में जाएंगे, डायलॉग्स में लाउडनेस ऑटो मैच कर देंगे, तो इनकी वॉल्यूम ऑटो मैच हो जाएगी। आप इनको कम और बढ़ा भी सकते हैं। तो जैसे आपका म्यूजिक लाउड है, उसके बाद म्यूजिक सिलेक्ट करेंगे, म्यूजिकली उसमें आएंगे, उसके बाद आप यहां देख सकते हैं डकिंग, आपको डकिंग का ऑप्शन मिलेगा यहाँ पे। आपने डकिंग का ऑप्शन जो है ऑन कर देना है, उसके बाद सेंसिटिविटी डक अमाउंट इसको हम -20 कर देते हैं, फेड्स 800 रहने देंगे, चलो इसको थोड़ा बढ़ा के 900 कर देते हैं हम। अब आपने स्टार्टिंग में जाना है और जनरेट की फ्रेम्स कर देने हैं। की फ्रेम जनरेट हो चुके हैं आपके, अब इसको हम प्ले करेंगे। तो आप देख सकते हैं जैसे ही डायलॉग्स आए और वॉल्यूम अपने आप कम हो गई, और जैसे ही डायलॉग्स गए वॉल्यूम अपने आप म्यूजिक की बढ़ गई। तो इसे हम ऑडियो डकिंग कहते हैं। अगर आपको इस वीडियो में कोई भी डाउट है तो आप उनको कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक यू।